नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। 40वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल सामरिक मुख्यालय डोंगरगढ़ राजनांदगांव में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डोंगरगढ़ राजनांदगांव में स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 40वीं वाहिनी के सामरिक मुख्यालय के कमान अधिकारी तरुण कुमार बंजारी द्वितीय कमान की अध्यक्षता में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में डोंगरगढ़ में स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान की शाखा व बौद्ध समाज की बहनों ने दीपक जलाकर आरती उतार कर ब्रह्म कुमारी पूजा उपस्थित हुई, जिनका कमान अधिकारी द्वारा स्वागत एवं आभार प्रकट किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारी एवं पदाधिकारियों को ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा तिलक लगाकर उनकी कलाई पर पावन राखी बांधी गई। साथ ही नागसेन बौद्ध विहार डोंगरगढ़ की बहनों ने भी सेना के जवानों को रक्षा सूत्र आरती उतार कर पूजा की एवं तिलक लगाकर प्रसाद खिलाकर राखी बांधी। इन्होंने सेना के जवानों की सुरक्षा हेतु भगवान से प्रार्थना की। यह छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों उड़ीसा बिहार नेपाल भूटान इंडोनेशिया जैसे अनेक प्रदेशों से शामिल हुए हैं। बहनों ने सभी पदाधिकारियों को राखी के इस पावन पर्व की बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही में उनके द्वारा सभी यह आग्रह किया गया कि भारत की सुरक्षा के साथ साथ स्वयं की रक्षा भी करने के लिए आत्मबल को मजबूत बनाना होगा। जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए आत्मिक ऊर्जा चाहिए और मनोबल मजबूत होगा तो सभी कार्य सफल होंगे। साथ ही उनके द्वारा दिनचर्या में भी ध्यान को शामिल करने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी को मिष्ठान भी वितरित किया गया। इस अवसर पर श्री राजेंद्र सिंह अधिकारी उपसेनानी जीडी डॉक्टर तारकेश्वर नाथ, चिकित्सा अधिकारी श्री श्यामलाल, सहायक सेनानी जीडी, अधीनस्थ अधिकारीगण हिमवीर एवं हिमवीरांगनाए ब्रह्म कुमारी के दीदी जी, जटाशंकर मंदिर ट्रस्ट के सचिव भागवत नामदेव, बौद्ध समाज के अध्यक्ष जटाशंकर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सचिव भागवत नामदेव, बौद्ध समाज के अध्यक्ष मुन्ना लाल नंदेश्वर, प्रेस क्लब के अध्यक्ष सोन कुमार सिन्हा, प्रवीण सोनी, निर्भय दास चोखांद्रे, मनीष कुमार बड़ोले, मुकेश कांडे, विलास सहारे, संतोष सहारे, महिला मंडल नागसेन बुद्ध विहार डोंगरगढ़, श्रीमती वीणा जनबंधु, श्रीमती पुष्पा टेम्भुरकर, श्रीमती कला टेम्भुरकर, श्रीमती किरण मेश्राम, श्रीमती उर्मिला खुबरागड़े, श्रीमती आशा सहारे, श्रीमती अर्चना टेम्भुरकर, सुश्री रेखा सहारे, श्रीमती बीनू आम्बादे, श्रीमती बिमला डोंगरे, श्रीमती प्रभा चंद्रिका पुरे उपस्थित थे। एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस डोंगरगढ़ राजनांदगांव से सोनू कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बताइए दीदी जी, कैसा लगा आपको भाइयों को राखी बांधते हुए? आज है हमारे जवान भाइयों को और मैं खास एक अंदर से आ रहा था कि हमारे जवान भाई जो है आज भारत माँ की सेवा पे इन्होंने अपना जीवन दिया है। हमारी भारत को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने जो अपना जीवन दिए हैं, तो ऐसे भाइयों से मिलो, मुझे अंदर से आ रहा था उमंग कि ऐसे भाइयों से मिलूँ, तो आज मैं भाइयों से मिली। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, अपनापन लगा, ऐसे लग रहा था कि हम भी अपना जीवन विश्व कल्याण के लिए दिए हैं। हाँ बताइए, आज रक्षाबंधन है और आप कहाँ से हो प्रॉपर? मैं रांची से हूँ। और आज आपका आपको राखी बांधने आए हैं, कैसे लगा? हाँ बताइए, कहाँ से आप? जोर से बोलिए। सर बताइए, रक्षाबंधन का पर्व था और आज आप लोगों के बीच में बहनें आई हैं, तो कैसा लग रहा है और क्या सोचते हैं आप लोगों के बारे में? जी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शिव शक्ति धाम डोंगरगढ़ से हमारी दीदी
ऐश्वर्या और पूजा बहन आई, इन्होंने बहुत प्रेम के साथ में हमारे जितने यहाँ पे साथी है, यूनिफॉर्म सोल्जर्स है, हम लोग बचपन के आसपास यहाँ बैठे हैं, सबका इन्होंने आदर सत्कार किया, सभी को तिलक लगाया, उसके बाद रक्षा सूत्र बांधा और मिठाई देकर मुंह भी मीठा किया। तो जीवन में ऐसे पल बहुत कम आते हैं जबकि हम यूनिफॉर्म सोल्जर्स अक्सर बॉर्डर में रहते हैं या फिर यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ में एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए डिप्लॉयड हैं, और जबकि हम घर नहीं जा सकते, हम अपनी दीदियों से नहीं मिल सकते, हम अपने परिवार से नहीं मिल सकते, ऐसे में यदि ये हमारी दीदी आई हैं यहाँ पर और इन्होंने अपना समय निकाला है, हम लोग एक साथ यहाँ बैठ के हमारे साथ चर्चा की है, हमें उद्बोधित किया है और जीवन के प्रति एक अच्छी राह की ओर चलने के लिए हमें आह्वान किया है, तो हम इसके लिए इनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये हमारे लिए बड़े खुशी और गर्व की बात है कि ऐसे पर्व पर हम ऐसे सद्गुणी लोगों के साथ में यह पर्व मना पा रहे हैं। हमारे इस फोर्स में ऐसे साथी है जो तमिलनाडु से है, हरियाणा से है, हिमाचल से बहुत दूर।